संदेश खाली केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई को लेकर अपडेट। टीएमसी नेता के करीबी के यहाँ छापेमारी की खबर। हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब के यहाँ छापे हुए। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। करीब 3 घंटे से छापेमारी चल रही है। विदेशी पिस्टल और अन्य हथियार भी इस दौरान जब्त किए गए। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविशंकर, इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस दिन ईडी शेख शाहजहां के घर में पहली बार रेड किया था, उस दिन जो वहाँ पे झड़प हुई थी उसका कारण ये था, उस समय शेख शाहजहां घर में मौजूद था और ये कहा जाता है कि अगर उस दिन वहाँ पे छापेमारी हो जाती सक्सेसफुल तो बहुत सारा आर्म्स वहाँ से बरामद करते और बहुत सारा कैश पैसा वहाँ से बरामद होती। अब जिसका तलाश सीबीआई को था, जिस चाइनीज़ पिस्तौल या तो चाइनीज़ स्नाइपर के बारे में TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले सबको बताया था, आज वही सारे चीज़ उसका जो ढेर है वो मिल रहा है। ये अबू तालिब, अबू तालिब कौन है? हफीजुल खां के रिश्तेदार है और हफीजुल खां कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां के करीबी है और तृणमूल कांग्रेस के वहाँ के पंचायत मेंबर है। अब ये ढूंढ पाना, ये जो आर्म्स रिकवरी हुआ है ये ढूंढ पाना, ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ी एक यहाँ पे कह सकते हैं आप सक्सेस है। इसका कारण शेख शाहजहां आगे के जो केसेस में थे अब उनमें आर्म्स केसेस भी लगेंगे, जिससे निकल पाना लगभग उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो आर्म्स है ज़्यादातर चाइना से इम्पोर्ट किया गया था बांग्लादेश थ्रू, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक कनेक्शन हो जाता है जिसके चलते शेख शाहजहां का आगे जाके दिन और मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वो रो रहे थे प्रिजन वैन में बैठ के, तो अब आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन शेख शाहजहां के लिए दिन और मुश्किल हो रहा है। ये जो आर्म्स बरामद हुए हैं इसका तो विजुअल अभी तक नहीं मिला है, तो एग्जैक्टली क्या क्या मिला है सीबीआई ज़रूर देगी इसके बारे में डिटेल्स, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि ये पूरा जो मामला है इसमें तृणमूल कांग्रेस का नाम आ जाने पर आने वाले चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ सकता है। कुल मिलाकर संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा भी रहा है रविशंकर दत्ता, ऐसे में इस पर सियासत ना हो ये कह पाना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।